सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर लीन को बायोलॉजी का सब सबक सीखा के वहां से निकल लेती है। और उसके बाद लीन किसी को कॉल करता है और वो बोलता है मैंने जो बोला था वो करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बायलो अपने ऑफिस पर होती है, उसके असिस्टेंट उसके पास आती है और वो बोलती है मीडिया वाले अभी बहुत कुछ कर रहे हैं आपके एजेंसी सुनेगा। तो बोलती कि अब क्या हो गया, अब क्या नया सिप आ गया। तभी वो देखती है फ़ोन पे, तो दरअसल क्या हुआ था, जो पहले से बदला लेने के लिए अपने गर्लफ्रेंड के साथ जो अफेयर का मुद्दा था, मतलब जो अब तक र्यूमर बोलते थे लोग, उसको पब्लिक कर दिया था। ये चीज़ तो बहुत सीरियस थी क्योंकि बायलो ने क्लियर बोला था ना एटलीस्ट 1 साल कुछ मत करो, बाद में मैं हैंडल कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर तो पंगा हो गया था, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसके वजह से बायलो की कंपनी के शेयर्स में भी इफेक्ट पड़ रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में इन सब चीज़ों के बारे में ही हमारा मो भी देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस कुछ करना है क्या, हमें हम मैम की हेल्प कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो मो था वो बोलता है नहीं इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, उसे खुद हैंडल करने दो क्योंकि वो उन दोनों के बीच के मामला है। लेकिन हमें बाद में पता चला उसने कुछ काम तो कर दिया था। तो जो अब तक ये मीडिया ये बात फैल रही थी बायलू का जो हस्बैंड है वो किसी और को डेट कर रहा है, उसे छोड़ चुका है, वही बात उल्टा पड़ जाता है जहाँ पर मीडिया वाले में अभी ये बात फैल रही होती है जो बायलू है उसका मिस्टर मो के साथ अफेयर है, ये कहीं ना कहीं सीक्रेटली सबके सामने जा रहा है। मतलब आप लोग समझ सकती हो, एक जो न्यूज़ था उसको कवर अप करने के लिए मो ने अपना वाला न्यूज़ मार्केट में फैला दिया था, जिस बात की वजह से कोई भी अभी जो लीन ही लीन और उसकी गर्लफ्रेंड का मामला बात ही नहीं कर रहा था। ये जानने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये देखने के बाद लीन को बहुत कुछ आ रहा होता है, सीन कट। और अगले सीन में पहले सोच रही थी इसके दिमाग पे चल क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि मो ही था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वायल को कॉल आता है और उसके बाद वो बड़े गुस्से में फ़ोन रिसीव करती है और बोल रही होती है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या पंगे कर रहे हो मेरे लाइफ में, तुम क्या सुकून से नहीं रह सकते, क्या हर बार मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तभी उसे ये बोला जाता है जो सन था आप बॉस आपसे मिलना चाहते हैं तो मैम जल्दी आ सकते हो क्या, वो चली जाती है क्योंकि उसे भी तो उससे बात करनी थी। एंड नाम में दिखाया जाता है जो बायलू थी वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद जो मो था वो गाड़ी के बाहर था। और उसके बाद बायलू को ये बोला जाता है मीडिया वाले उसको बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूज़ बनाने वाले हैं इसलिए हम मो के घर पर जा रहे हैं। और उसके बाद मो के घर के पास जाने के बाद बायलू बोल रही थी वो मुझे लेने क्यों नहीं आया। सन बोलता है मैम आप चाहते हो वो लेने आए, वो ऐसे बाद में कवर अप करती ऐसी कोई बात नहीं। और उसके बाद वो बोलता है क्योंकि अगर बॉस बाहर निकल लेंगे ना तो उस टाइम पर बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा और ऑफिशियली आप दोनों का अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ ना तो इस टाइम पर आप बॉस के साथ नहीं दिख सकते इसीलिए वो नहीं आए वरना वो आ जाते। और बाद में हमें दिखाया जाता है अंदर की तरफ जाने के बाद वो बाहर ऐसे जो खिड़की था खिड़की के सामने ऐसे आवाज़ लगाता है, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और उसके बाद जो मो था वो बायलू को अपने पास खींचता है और वो बोलता है तुमने मुझे बहुत मिस किया क्या। बायलू उसे ऐसे कोने मारते और बोलते हैं कि क्या कर रहे हो बदतमीज आदमी। ये सुनने के बाद मो बोलता है मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, तुमने मुझे खुद परमिशन दिया हुआ है ना तुम्हें टच करने का, तो मैं तो वही अपना जो हक है वही दिखा रहा हूँ। और उसके बाद बायलू बोलते हैं बदतमीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं अंदर चलो। और उसके बाद अंदर जाने के बाद बायलू देखती है इधर उधर और वहां पर एक पेयर चप्पल थे जो लड़की वाले थे और जो मुंह था वो बोलता है मैं फ्रेश होके आता हूँ तुम यहाँ पर आराम करो। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है बायलू देखती है वहाँ पर मो जो था उसने बायलू का एक प्यारा सा फोटो स्कूल टाइम का रखा हुआ था, वो सोचती है ये क्या है, बायलू को कुछ समझ आता उससे पहले वहाँ पर मो आता है, मो को बायलू बोलती है कि ये फोटो यहाँ पर क्या कर रहा है मेरा फोटो है ना ये। तो ये सुनने के बाद मो उसे बोलता है मुझे तुम पे उस टाइम से क्रश था जिस टाइम पर तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती स्कूल टाइम से। बायलू बोलती है कि मजाक मत करो मुझे लगता है तुमने ये फोटो कहीं और से लिया होगा। तभी जो मो था वो बोलता है तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो चेक करके देखो मुझे तुम्हें बहुत पहले से तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था मैं, लेकिन ये जरूर था कि मैं कभी बता नहीं पाया लेकिन अब किस्मत मेरे साथ है और तुम मेरे पास हो ऐसा वो बोलता है। पहले कुछ बोलते उससे पहले उसके नेट देख आता है और उसके बाद सीने पर कर दिखाया जाता है
और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाला सीन, जहाँ पर बैलू अचानक से आके कूदती है, मैं उसके साइड पे था। और उसके बाद बैलू बोलती है कितना टाइम हुआ, वो बोलता है 10 बज चुका है। बैलू बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे आज डिवोर्स सेरेमनी के लिए जाना है। डिवोर्स सेरेमनी मतलब आज लिन और उसका ऑफिशियली डिवोर्स होने वाला था, और इस बात की वजह से बैलू को तो अब सही टाइम पर पहुँचना था ना। ये सुनने के बाद जो मो था वो बोलता है तुम दोनों का डिवोर्स होने वाला है तो अच्छी बात है ना, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूंगा, मैं तो चाहता हूँ तुम आराम से सो, काफ़ी प्रिटी लगो और वहाँ से जाओ। तभी बैलू बोलती है तुम मेरे डिवोर्स के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है अब तुम दोनों का डिवोर्स होगा तब जाके तो मेरा चांस होगा ना, क्योंकि तुम दोनों डिवोर्स कर लोगे उसके बाद तो ऑफिशियली तुम सिंगल हो, सिंगल होने के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे उंगली कर नहीं सकता कि तुम किसी को अफेयर ऐसे किसी को डेट कर रही हो। ये सुनने के बाद बाइल बोलती है देखो मिस्टर ऐसा है भले ही मैं डेट करूँ या फिर ना करूँ, मैं सिंगल हूँ या ना हूँ, लेकिन तुम्हारा मेरा तो कोई चांस ही नहीं। ये सुनने के बाद जो मो था वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम नाना करती जाओ, मैं तुम्हें हाँ हाँ तो करवा ही लूँगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद बैलू के लिए वो काफ़ी प्यारा सा ड्रेस लेके आता है, जहाँ पर कसम से बैलू बहुत प्रीटी लग रही थी, और वो अपने डिवोर्स के लिए निकल लेती है। और जैसे कि बैलू ने बोला हुआ था अपने डिवोर्स सेरेमनी को वो बहुत अच्छी तरह से हेल्प मतलब दिखाएगी लोगों को कि ये देखो मेरा डिवोर्स हो गया है, तो वही वाला इवेंट यहाँ पर हो रहा होता है जहाँ पर बैलू पहुँच जाती है। बाहलू तो पहुंच गई लेकिन लीन तो पहुंचा ही नहीं, वो परेशान हो जाती है। और उसके बाद वो लीन को कॉल करती है, लीन को लग रहा था उसने उसे मिस किया इसलिए कॉल किया, वो बोल रहा था फाइनल तुमने मुझे कल तो कर ही लिया ना मैं। तभी बाहलू बोलती है तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर अगर तुम मेरे सेरेमनी पे नहीं आए ना उस टाइम पे मैं सबको सच्चाई बता दूंगी। और उसके बाद वो बोलता है कि कौन सा सच्चाई, तभी उसका असिस्टेंट उसे फ़ोन देता है जहाँ पर डिवोर्स सेरेमनी वाला इवेंट लाइव चल रहा होता है। वो बोलता है अरे सीरियस तुम्हें करना है, वो बोलते हैं हाँ मुझे करना है, तुमसे डिवोर्स लेना है तो अब चुपचाप फूटो यहाँ। और उसके बाद फ़ोन काट देती है। और उसके बाद बैलू ऐसे बैठती है वहाँ पर, मीडिया वाले उसे पूछ रहे होते कि क्या आप तो उनका सीजन में डिवोर्स हो रहा है क्योंकि आपके हस्बैंड उसे आपको चीट कर रहे थे, क्योंकि आपके हस्बैंड दूसरी एक्ट्रेस के साथ अफेयर कर रहे थे। तभी बैलू ऐसे कवर अप करती है कि नहीं हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन हम दोनों के बीच में बन नहीं पाया, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसी बात की वजह से हम लोग म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हैं, आप लोग गलत समझ रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आ पहुँचता है लीन, और लीन बोलता है लेकिन मैं इस चीज़ अलाउ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं हूँ। बैलू बोलते कि पर मैं तो तैयार हूँ ना आओ। और उसके बाद जो लीन था वो ऐसे कवर करने की ट्राई कर रहा था है कि हम दोनों के बीच में जो भी था वो क्लियर हो चुका है, हम दोनों में कभी ऐसे डिवोर्स वाली बात थी नहीं, बस मेरी वाली थोड़ी सी गुस्सा है मुझसे, इसी बात की वजह से अब आप लोग जा सकते हो। बैलू बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद सबको बोलती है मैं अपने हस्बैंड से अलग हो रही हूँ, हम दोनों का डिवोर्स पेपर साइन हो चुका है, ऑफिशियली मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना था जो कर चुकी हूँ। तभी वो उसे बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी बैलू बोलते हैं मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुम्हें आइडिया भी नहीं है, गलती तुम्हारी थी, तुमने ऐसा कुछ स्टार्ट किया था, चलो कोई बात नहीं। और वहाँ से जाने वाली होती है तभी उसके नेक पे वो निशान था, मतलब थोड़े लव बाइट्स थे। और उसे बोलता है कि क्या है बैलू, उसको कवर करके चलती है, ये बोलते हुए कि तुमसे मतलब वाली चीज़ है नहीं। ये देख सुनने के बाद इनको काफ़ी गुस्सा आता है। और उसके बाद वो बोलता है कि वो पूछता है क्या इतने साल में तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं था या कोई और भी था। जो सुनने के बाद बैलू उसकी तरफ देखती है और उसके बाद वो बोलती है आज तक तो सिर्फ तुम थे लेकिन वो गलत फहमी मैंने बहुत पहले दूर कर दिया क्योंकि तुम्हारे दिल में मैं नहीं थी, ऐसा वो बोलती है। और वो जाने वाली होती है तभी वहाँ पर मो पहुँचता है अपने असिस्टेंट, और उसके बाद मो को देखने के बाद तो सब लोग फिर से मो के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बैलू का अफेयर तो मो के साथ ही चल रहा है, ये तो खुला खुल गया था ना ये राज। तो मो को पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर मो, आप तो बहुत रिच आदमी हो, क्या आपका बैलू के साथ अफेयर चल रहा है। तभी बैलू को देखते हुए मो बोलता है हाँ हम दोनों का अफेयर चल रहा है और मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ हूँ, उसका एक नंबर का घटिया आदमी था उसके साथ, मतलब वो बोलता है मैं उसकी एक्सेसमेंट से उसे प्रोटेक्ट करने आया हूँ। बैलू को अपने पास खींचता है और उसके बाद लिन का चीज़ बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे एक मुक्का मारता है और वो बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, सोचा भी मत कि कभी बैलू को मुझसे दूर ले जा पाएगा। ये सुनने के बाद जो मो था वो बोलता है तू भी अच्छी तरह से जानता है कि तू बैलू का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, अगर तेरे साथ बैलू खुश होती तो मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में ना आता, तूने हमेशा उसे हर्ट किया है, उसको रुलाया है, उसको अकेलापन का एहसास दिलाया है, तो अब तुझे भी पता है कि तू उसको खो चुका है तो अपनी हार मान ले।
देखने से ऐसा लग रहा था कि एक दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। और उसके बाद ये सुनने के बाद लिन को तो और गुस्सा आता है। वो बोलता है कभी भी मेरी बीवी को मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं ये चीज़ कभी अलाउ नहीं करूँगा। और उसके बाद वो हंसता है और बोलता है तेरी बीवी यहाँ पर, तेरी बीबी कहाँ पर है, तो बिजी था ना दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर करने में, तो अब पायलू तेरी बिल्कुल भी नहीं है। तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, ऑफिशियली अनाउंस होना रह गया था, जो पायलू आज कर चुकी है। तो आज के बाद पायलू सिर्फ मेरी है। जो सुनने के बाद जो तीन है उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। पायलू को ये देखे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बोलती है चुप रहो तुम दोनों। और उसके बाद वो बोलती है मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, जो एक का मन बढ़ा तो दूसरे के पास, दूसरे का मन बढ़ा तो तीसरे के पास। मैं एक इंसान हूँ और मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं लाइफ जीने के लिए। तुम दोनों यहाँ से हटो। और उसके बाद वो बड़े गुस्से में चली जाती है। और ये सब कुछ होने के बाद शाम को दिखाया जाता है पायलू बैठी हुई होती है, वो उसके पास आता है। और उसके बाद पायलू उसे बोलते मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे लगता है अब हम दोनों का रिश्ता ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। ये सुनने के बाद वो बोलता है पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। ये सुनने के बाद पायलू उसे बोलती है मैं तुम्हारे साथ जिस बात की वजह से थी वो तो ख़त्म हो गया, आज ऑफिशियली मैं अलग भी हो चुकी हूँ अपने हस्बैंड से, और साथ में मुझे लगता है तुम मैं मुझे वो नहीं दे पाओगी जो मुझे चाहिए, तो मैं इसीलिए सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है अगर तुम ख़त्म करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे लगता है जब तक तुम्हें कोई परफेक्ट पार्टनर ना मिले तब तक तुम्हें इस तरह से मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। वो एक्चुअली ऐसा चाहता था पायलू ऐसे छोड़ के चली जाएगी तो उसका चांस ख़त्म हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा सही टाइम मिले और वो उसे पटा लेगा। पायलू बोलते कि हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बहुत ओपनली बोल रही हूँ, किसी दिन तुम्हें ऐसा लो कि तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते उस टाइम पे तुम चले जाना, क्योंकि मैं हम दोनों में कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं चाहती, ऐसा वो बोल लेती है। सो हम देखते हैं अब नेक्स्ट वाला सीन, जहाँ पर पायलू परेशान तो थी क्योंकि उससे फिर से एक बार पीरियड हो गया था। अब पीरियड होने का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और उसके बाद वो जो मोह है उसे डांट रही होती है क्योंकि उससे बेबी चाहिए, जो बेबी उससे नहीं हो पा रहा, और ऑफिशियली अब तो डिवोर्स है वही भी तो सबको पता चल चुका है। और तो उसके बाद मोह उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब पायलू बहुत चिल्ला रही थी तो मोह अपने लैपटॉप को बंद करता है क्योंकि वो मीटिंग पे था, पायलू सब कुछ बकवास जो कर रही थी वो सब कुछ सब लोगों ने सुन लिया था। वो उसे अपने पास खींचता है और वो बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना मैं तुम्हें बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं करूँगा, तो तुम्हें इस तरह से हर बार परेशान होने की क्या जरूरत है, ऐसा चीज़ें इतनी ईजिली नहीं होता, ऐसा बोल के उसे ऐसे परेशान कर रहा होता है। पायलू बोलती है आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल में दिखाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हमें पायलू को, पायलू हॉस्पिटल पे गई थी और डॉक्टर से मिलती है, वो वापस आती है ये जानने के लिए कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, तो डॉक्टर से वो मिल चुकी थी। वो उसके पास आता है और पूछता है क्या खुशखबरी है क्या। ये सुनने के बाद पायलू बोलती है नहीं खुशखबरी तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद वो उसकी नज़दीक आता है और उसके बाद उसकी गाल पे किस भी करता है। पायलू उसे डांटती है कि हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको बोलना मत, और इस तरह से बार बार मुझसे चिपका मत करो, मुझे पसंद नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों तो वहाँ से चले गए। बाद में हमें पता चला पायलू जब डॉक्टर से मिले थे उनसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है मतलब वो पायलू जो थी वो मुझसे झूठ बोल रही थी और वो नहीं चाहती थी कि अब कोई पंगा हो। और जब उसने पूछा कि मुझे तो पीरियड भी तो रेगुलर हो रखा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपको पीरियड हो रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आप प्रेग्नेंट है ऐसा बोल देते हैं। पायलू सोच रही थी अब मैं इस बात को छुपाऊंगी मुँह से, लेकिन उसे यह नहीं पता था ये जो बात थी वो मीजा वालों तक पहुँच चुकी थी, क्योंकि पायलू और मुँह अब साथ में दिखते थे। वो बात अभी मीडिया वालों ने कवर कर लिया, आप इस पर इसी के बारे में बात चल रही थी, और इवन गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की बात जैसे ये बात फैली हुई थी कि शायद पायलू प्रेग्नेंट है, मोह के बच्चे की माँ बनने वाली है। और यही चीज़ दादाजी को पता चल गया। दादाजी पायलू को कॉल करके बहुत खुश थे और बोल रहे थे कि फाइनली तुम्हारी लाइफ में कोई खुशी आई बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। पायलू तो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो पायलू थी उसके दादाजी के पास जब वो जाती है तो वो देखती है वहाँ पर ऑलरेडी मोह था, और मोह के साथ दादाजी बहुत मस्ती कर रहे थे, खुश भी लग रहे थे। पायलू तो फंस के उसे गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो दिखा भी नहीं सकती थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसे सॉरी बोलता है, उसको बताए बगैर वो दादाजी से मिलने के लिए आ गया था जिस बात की वजह से वो परेशान थी। और उसके बाद जो मोह था वो उसे बोलता है प्लीज़ मुझसे शादी करो, मैं तुमसे इस तरह से दूर नहीं रह सकता, पहले तुम मुझसे
जितने भी नफरत करो लेकिन मुझे मत बकाओ अपने आप से, तो भाई मैंने मन में सोचती है अभी मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली, भले ये कंटेक्ट वाला रिलेशनशिप था लेकिन मुझे लगता है मेरे बच्चे को फादर की जरूरत तो पड़ेगी। और रोज बोलते हैं ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन एक कंडीशन पे, और उसके बाद से नहीं पर कट होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब मो घर पर जाता है तो वो देखता है उसकी एक्स फियांसी यांसी वापस आ चुकी थी, और उसके बाद मॉम उसे बोल रही थी कि अब तुम दोनों की जल्दी शादी होनी चाहिए क्योंकि ऐसे मिजाज में वही आज से खबर आ रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं। और मो तो परेशान हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में यांसी जाती है बायलू के पास और वो बोलती है मैं और मो एक दूसरे को बहुत चाहते थे और हम मैं फॉरेन में थी, फाइनली मैं वापस आ गई तो मुझे लगता है तुम्हें हम दोनों के बीच से दूर चले जाना चाहिए। बायलू को बहुत गुस्सा आता है इस बात की वजह से। ओ शाम को जब मो उससे बात करने के लिए आया हुआ था और उसे बोलती है हम दोनों के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है तो अब मुझे परेशान करना बंद करो, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी कोई फ्यूएंसी है और मुझे यहाँ पर ऐसे ट्रीट कर रही थी वो लड़की कि जैसे कि मैं तुम्हारी बेड पार्टनर हूँ। ऐसी सच भी तो है ना कि मैं तुम्हारी बस बेड पार्टनर ही थी, कौन सा तुम्हारे साथ कोई इमोशनल रिलेशन था, ऐसा बोल के उस पर गुस्सा रही थी। और उसके बाद मो उसे बोलता है ऐसी कोई बात नहीं मैं उससे कोई शादी वादी करना नहीं चाहता, वो एक नंबर की झूठी लड़की है, ऐसा बोल के उसे कन्विंस करने की ट्राई कर रहा था कि ऐसी कोई गलती ना करे। और उसके बाद जो पायलू थी वो उसे क्लियरली बोलते हैं कि मुझे लाइफ में कोई पंगे नहीं चाहिए तो मुझे परेशान करना बंद करो। मो उसे बोलता है भले तुम मुझसे नफरत करो लेकिन मुझे अपने आप से दूर मत भेजो, मैं तुम्हें मना लूंगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे बिल्कुल भी दूर जाने नहीं देता। और उसके बाद में दिखाया जाता है रात को बायलू बेड पे होती है और उसके बाद उसे बहुत भूख लगी हुई थी, वो सोच रही थी कि बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मुझे सोचना ही नहीं है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी मुंह के बारे में सोच रही थी, मुंह के हरकत के बारे में सोच रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो खाना लेने के लिए किचन की तरफ आती है जहाँ पर मुंह था, मुंह उसे बोलता है तुम्हें कुछ बनाना है। और उसके बाद वो उसके लिए ना नूडल्स बनाता है, नूडल्स खाने लगती है बायलू। और उसके बाद मुंह उसे बोलता है मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती ना ही तुम मेरे बारे में कुछ सोचती हो, लेकिन अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं तुमसे दूर जाऊँ तो एक कंडीशन पे कल मेरे साथ तुम हमारे स्कूल टाइम की जगह पे जाओगी जहाँ पर हम साथ में पढ़ा करते थे। और उसके बाद बायलू मान जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है बायलू और मो दोनों उस स्कूल पे जाते हैं जहाँ पर ये दोनों हाई स्कूल टाइम पे पढ़ा करते थे। और उसके बाद बायलू बोलती है ये तो वही जगह है जहाँ पर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ करते थे, और हमें पता चला जो हमारा मो था वो स्कूल टाइम में बहुत फेमस था। और उसके बाद उसके आगे भी लड़कियाँ की लाइन लगी रहती थी और जिनमें से यांसी भी एक थी, और सब लोग बोलते थे कि यांसी उसकी स्कूल फ्रेंड है, बचपन से फ्रेंड है, तो उन दोनों की शादी पक्का हो चुका है। और उसके बाद बायलू बोलते कि तुम दोनों तो काफ़ी अच्छे कपल्स थे, जो सुनने के बाद मुंह बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना जो दिख रहा हो वो सच ना हो, तुम्हें लग रहा होगा कि हम दोनों बहुत चाहते हैं एक दूसरे को लेकिन मेरे तरफ से तो ऐसा नहीं है, कभी तुमने पूछा था कि मुझसे मैं उसको पसंद करता हूँ या नहीं। जो सुनने के बाद बायलू बोलते कि पूछने की क्या जरूरत है, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे तो ऑब्वियसली डेट तो कर रही होंगे ना। ये सुनने के बाद मुंह उसे बोलता है ऐसी कोई बात नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता था, मैं तो किसी और से प्यार करता था। जो सुनने के बाद पायलू बोलते किससे, तभी मो उसे कुछ नहीं बोलता और तभी वहां पर यांसी आके सिचुएशन का पूरा कबाड़ा कर देती है, लेकिन यहाँ पर मो यांसी को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे चाय में से मक्का। सो हमें दिखाया जाता है जिसे वहाँ पर यांसी आती है, बायलू का मूड ख़राब होता है लेकिन फिर भी जो बायलू थी वो इतना सो नहीं करती। और उसके बाद इवन मो भी उसे इग्नोर मार के बायलू के पीछे पीछे चला जाता है, तभी यहाँ पर इन लोगों के जो पुराने स्कूल के प्रिंसिपल मिलती है और उसके बाद वो उन लोगों को साथ में डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है। ये लोग डिनर के लिए जाते हैं जहाँ पर जो बायलू थी जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो उस टाइम पे उसके पीछे पीछे जाके यांसी उसे ताने मारने लगती है, ये बोलती है कि तुम अभी भी जबूर से और इस तरह से तुम हरकतें करें तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो किसी और गर्ल से कम नहीं हो, यो ना तुम तो किसी कॉल गर्ल से कम नहीं हो। पायलू को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे बोलती है कि तुम ऐसा पूछ बोलने वाले होती कौन हो। और उसके बाद उसे ये पता चला ये बंदी तो प्रेग्नेंट है, उसे ऐसे बोल रही होती है कि तुम्हारा अभी अभी डिवोर्स हुआ है तुम किसी और से प्रेग्नेंट भी हो गई। ये सुनने के बाद जो पायलू थी वो बोलते कि मैं किसी से प्रेग्नेंट हूँ या ना हो तो मेरी मर्जी है ना तुम्हें क्या। और उसके बाद वो जब पूछती है ये बच्चा मौका है, वो बोलते कि नहीं ये बच्चा मौका नहीं सिर्फ मेरा है। और जब उसे ये पता चला कि मौको तो पता ही नहीं ये बंदी प्रेग्नेंट
सुनते हैं वो तो हाँ में होने लगती है और उसके कैरेक्टर पे उंगली उछालने की ट्राई करती है। बायली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता उसकी ये हरकतें। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर आने के बाद प्रिंसिपल के साथ बात करने लगती है। जो प्रिंसिपल थी वो उसको एक बॉक्स देती है और बोलती है ये तुम्हारा तोहफा था, मैं तुम्हें देना चाहती थी लेकिन तुमने अचानक से स्कूल उस टाइम पर छोड़ दिया था, ट्रांसफ़र हो चुकी थी। और मोनी बोला था ये तुम्हें देना है, पता है ये तुम्हें कितना लाइक करता था। उसी टाइम से ये सुनने के बाद बायली को बहुत बुरा लगता है। दरअसल क्या था ना, एक तो वो उसके लाइफ में कोई स्ट्रेंजर बन के आया, मतलब जिस तरह से वो आया वो तो बिल्कुल भी ढंग से आया नहीं था। और उसके बाद अब ऐसे ऐसे राज खोल रहे हैं कि वो उसे पहले से लाइक करता था, मतलब तो ये तो कोई स्टॉकर जैसा मामला हो गया ना। बायली बोलती है नहीं मैम मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। वो गुस्से में वहाँ से निकल लेती है। बायली के पीछे पीछे मोह जाता है। मोह को बोलती है तुम्हारे और कितने राज हैं, मुझे अब कुछ भी नहीं जानना, हम दोनों के इसमें जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, आज के बाद अपनी शक्ल में दिखाओ क्योंकि मुझे इससे किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी जो ऑलरेडी मुझे बहुत बुरी तरह से स्टॉक कर रहा था। तुम्हारा इतना बड़ा कंपनी है, तुम अपने बिजनेस से ज़्यादा तो मुझ पर ध्यान दे रहे थे, बोल के उसे डांटती है। वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता, कितना स्ट्रेस था बेचारी को। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बायली बहुत परेशान थी, घर पर बैठी हुई थी, तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बोलती है बहुत बड़ा पंगा हो गया बहन आजा। इस बात की वजह से अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है पापा मेरी शादी फिक्स कर रहे हैं, अब मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। और उसके बाद तभी उसे ना बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होता है, वही वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही होती है। तो वो समझ जाती है उसकी फ्रेंड शायद प्रेगनेंट है और उसे पूछते हैं तुम प्रेगनेंट हो, बोलते कि हाँ प्लीज़ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसीलिए मैं बता रही हूँ, वरना प्लीज़ किसी को मत बताना, किसी को नहीं पता मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। ये सुनने के बाद बायली को उसकी फ्रेंड बोलती है ये बच्चा किसका है, लीन का है। ये सुनने के बाद बोलती है नहीं उस कमीने को तो मैं हाथ भी ना लगाऊँ। ये सुनने के बाद बायली बोलती है अगर उसका देखा तो उसकी फ्रेंड बोलती है तो किसका बच्चा है। ये सुनने के बाद बायली सच बता देती है, जो सुन के तो उसकी फ्रेंड तो फट जाती है उसकी। वो सोचती है क्या बात कर रही हो, तुम शहर के सबसे रिच आदमी से प्रेगनेंट हो गई लेकिन ये कैसे हो सकता है। ये सुनने के बाद वो बोलती है तुम ना सिचुएशन को समझ नहीं रही हो। तभी वो बोलती है तो समझाओ ना मुझे चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में। ये सुनने के बाद बायली बोलती है देखो ऐसा है मैं उस पर पैसे खर्च कर रही थी, मैं उसकी स्पॉन्सर थी, मुझे बच्चा चाहिए और उसे पैसे चाहिए तो वो मेरा एम्प्लॉय था बस इतना ही। ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड बोलती है एक बात बताओ वो बंदा इतना कोऑपरेटिव है क्या। वो बोलते क्या हाँ था पर यार जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे बेबी चाहिए तो मैं तो पता ही है ना दादाजी को किस तरह से अपना परपोता दिखना है, तो मुझे बस बच्चा चाहिए था और अपने हस्बैंड के साथ तो ऐसे रिश्ते होने के बाद कोई चांस नहीं था उसके साथ कुछ करो और बेबी हो। ये सुनने के तो बोलते कि तो अच्छी बात है लेकिन इतने बड़े आदमी को ऐसे काम करने की क्या जरूरत पड़ी। ये सुनने के बाद बायली बोलते कि मुझे नहीं पता, अब मुझे उसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करनी। और उसकी फ्रेंड बोलते कि क्या तुम उसको पसंद करती हो। बायली बोलते कि पागल हो नहीं बिल्कुल भी नहीं हर किस में, लेकिन नहीं बोलते बोलते कहीं ना कहीं वो ऐसे लड़खड़ा रही थी लड़बड़ा रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती है एक बात बताओ उसका कॉन्टैक्ट नंबर है क्या। ये सुनने के बाद बायली बोलती है क्यों। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं अगर वो ऐसा कुछ सर्विस देता है तो मैं भी कंसिडर करूँ ना, हाँ मैं प्रेगनेंट होना नहीं चाहती लेकिन वो इतना अच्छा सर्विस देता है या फिर ऐसा काम करता है ना उस टाइम पे थोड़े पैसे इतने हॉट हैंडसम आदमी में उड़ाने में कौन क्या गड़बड़ी है क्या गलत है। जो सुनने के बाद बायली तो शौक में आती है और उसके बाद वो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी बायली को उसकी फ्रेंड बोलती है या फिर तुम मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग है जो उस चीज़ को रोक रहा है, वरना दो नंबर अगर वो ऐसे काम करता है तो मुझे भी चाहिए, इतना गुलगुल हंसम आदमी कुछ दिनों के लिए अपने पास ऐसा वो बोल लेती है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में बायली जब ऑफिस पे जाती है लीन वहाँ पर बैठा हुआ था उसका इंतज़ार करते हुए और उसके बाद वो उसे बोलता है मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, देखो इस टाइम पे बहुत गुस्से में था इसलिए मैंने ऐसी हरकतें की लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। उसे लिटरली गिर रहा होता है। बायली उसे समझाने की ट्राई करती है हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं इसलिए मैं कंसिडर कर रही हूँ तुमसे बात कर रही हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। लेकिन ये साहब ज़्यादा थोड़ी मानेगा, वो उसे बहुत बुरी तरह से परेशान करने लग जाता है। ये बोलते हुए कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, उसके पास कुछ नहीं है, वो एक नंबर का झूठा इंसान है, तुम्हें ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है, तुम बहुत बोली वाली हो। बायली उसे समझाने की ट्राई करती है कि ओ हो या ना हो लेकिन ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। जिस बात की वजह से बायली बोलती है ये सब कुछ तुमसे स्टार्ट हुआ था, तुम जिस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे थे मैं उसी तरह से तुम्हें ट्रीट कर रहे थे, उस टाइम पे तुम्हें दिक्कत हो रही है, बोल के उसका मुंह बंद करवा के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो
मोह था वो तो पहले ही जानता है, क्योंकि बायलू उसकी बातों को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड कर नहीं रही होती है और उसके बारे में ये दिखाया जाता है। इवन मीडिया में ये बात फैलती है कि जो मोह है वो यांची के साथ बहुत जल्दी सगाई करने वाला है। ये देखने के बाद बायलू को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन में सोचती है तुम जो भी बकवास कर रहे थे वो सब कुछ झूठ निकला और सच्ची में तुम किसी और के साथ हो। और उसके बाद वो मन ही मन में सोचती है आज के बाद हमारा कोई भी मेल नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं यही चीज़ जो जिंक्स हमारा मोह था वो देख लेता है। और उसके बाद वो जाता है अपनी माँ के पास लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उसकी माँ का ये डिसीजन था। पहले तो माँ बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही थी कि मेरा डिसीजन ये आखिरी डिसीजन होगा, तुम मेरे डिसीजन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बोल के उसे डांटे जा रहे होती है। लेकिन जब जिंक्सन ये बोलता है कि आप होती को मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, आपने कभी माँ होने का फर्ज निभाया है जो मैं आज आपको बेटे होने का फर्ज निभा के दिखाओ, बोल के वो डांट देता है और बोलता है मैं बिल्कुल भी पायली को नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा प्यार है, वो एक ऐसी लड़की है जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ, अपने आप को सबसे ज़्यादा हैप्पी महसूस करता हूँ। तब वहाँ पर एंसी आती है और बोलती है कि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली, तो इस टाइम पे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनने के बाद मुझे बहुत शॉकिंग लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं था वो बाहर निकल लेता है। पायली से मिलने के लिए बायली को दिखाया जाता है, वो ऑफिस पे होती है जहाँ पर लीन उसे परेशान करने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद एक्चुअली उसे पैचअप करने की ट्राई कर रहा था, जहाँ पर वो बहुत बड़ा डील लेके कंपनी के लिए आता है और उसके बाद बायलू के साथ डील साइन करता है। बायलू को अपने कंपनी के स्टाफ के लिए ये डील साइन करनी पड़ती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नीचे आने के बाद जो हमारा बंदा था वो उसके पास आता है और बोलता है तुमने सच क्यों नहीं बताया, तुम्हें बताना चाहिए था ना, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। बायलू बोलते कि बच्चा तुम्हारा किसने कहा तुम्हारा, तुम बोल चुके हो हम दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तभी जब वो बोलता है पर ये मेरा बच्चा है मुझे पता है, तभी वो बोलते हैं कि मैं किसी और के बच्चे को कैसे अपने पेट में रख सकती हूँ, और स्पेशली उस बंदे का जो ऑलरेडी इंगेज्ड है, और ऐसे भी तुम दोनों की तो शादी होने वाली ना, तो कंग्रेचुलेशन फॉर योर इंगेजमेंट, बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी, ऐसा वो बोलती है। और वो बोलती है तुम्हारा मेरा कोई भी लेना देना है नहीं, बस हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। तभी जो मोह था वो बोलता है मैंने कितनी बार कहा हुआ है वो सब कुछ मेरी माँ का किया जा रहा है, मुझे उससे कोई शादी वादी नहीं करनी, ना ही सगाई करनी है, प्लीज़ मेरी बात को यकीन करो। लेकिन पहले उसकी बात पर यकीन करने के लिए रेडी तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसे बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा होता है।